दो दो मोमो गाइस, दो दो मोमो एक ही साथ। ये देखो गाइस, यहाँ से तेल लगा के उठाया। तो गाइस एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई आजकल हाट बाजार के हाल क्या और के। और इधर देखो गाइस माफी। तो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज हम फिर से बनाने वाले मोमोस, उससे पहले रोटी खा लें आप लोगों की डिमांड से, क्योंकि आज है हाट बाजार। तो आज हम बनाएंगे ढेर सारे मोमोज। तो भाई अभी फिलहाल जा रहे हैं अपने खेत में, जहाँ से हम काटेंगे पहले तो गोभी, और गोभी का पैसा बचाएंगे हम। तो ये रहा हमारा खेत, जहाँ से हम बंद गोभी काटेंगे। तो भाई दो गोभी काट लिए हैं, और एक गोभी मेरे पास और एक मम्मी के पास है। तो बनाते हैं मोमो, और आज इतने सारे मोमो बनाएंगे, 200-300 तो बना ही डालेंगे। और अब हम सबसे पहले बनाएंगे मोमो की चटनी, जो कि टमाटर और प्याज और लहसुन मिर्च भी है। तो आज हम बनाना सिखाएंगे कि मोमो की चटनी कैसे बनाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी करा था, भाई मोमो की रेसिपी की बहु मोमो की चटनी की रेसिपी दो यार। तो आज हम बनाना सिखाएंगे मोमो की चटनी के साथ साथ मोमो भी, जो कि हमें खुद भी बनाना नहीं आता है। तो बारी इन सब में तड़का लगाने की। तो यहाँ पर हमने टमाटर प्याज और लहसुन को काट लिया, और अदरक को भी यहाँ पर पीस लिया है पतीले में। तो सबसे पहले लगाएंगे हम अदरक का तड़का, और अब इसमें डालेंगे हम प्याज टमाटर ये सब डाल देंगे, और इनको मस्त ऐसे मिलाते रहेंगे ना। और अब हम डालेंगे चटनी में मैगी मसाला, जो कि अपना स्टाइल रहेगा। अभी फिलहाल टमाटर ऐसा उबलते रहेगा, और हम छीलेंगे तब तक ये दो गोभियां, जिन्हें मस्त धुल लिया। और ये रहा हमारा रगड़ा। तो गाइस गोभी में रगड़ा लगा दिया, अब मिलाएंगे उसमें हम ये सोयाबीन के चुरमुरे। लेकिन अभी हम सबसे पहले करेंगे मोमो की चटनी का निपटारा। तो ये लो भाई टमाटर और प्याज को इसमें भर दिया, लेकिन एक टमाटर यहाँ पर गिर गया। तो अभी इसको पहले मिक्सी में फिट करते हैं, और ये रहा ढक्कन, बस छीटे ना पड़े यार। तो गाइस ये रहे मिक्सी में पीसने के बाद चटनी के हाल, अभी देखते हैं इसका। अभी गाइस ये बहुत ही हार्ड है, अभी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे बस थोड़ा सा। ये चले जा पानी, अरे भाई फुल हो गया ये तो। चलो गाइस मोमो की चटनी का तो काम निपट गया, अब बनाएंगे हम सीधा डायरेक्ट मोमो। और अब ये रही गाइस मोमो की स्टफिंग, जिसमें हम मिलाएंगे हरा हरा धनिया, वो भी खेतों में। तो ये गया हरा धनिया, और इसमें हम मिलाएंगे मैगी मसाला, ओनली 2 पैकेट, एक पैकेट ये रहा। अब चलो गाइस बाहुबली विलन के साथ ये पटरा धुलने। और इधर देखो गाइस ये पापी पूरी रोटी एक ही बार में खा गया ये। अब इसके मुंह में हट नहीं रहा। इधर तो देख, इधर देखो इसके मुंह में हट नहीं रहा था। और अब गाइस पूरा मोमो का सेटअप यहाँ पर लगा दिया है, वो रही हमारी मोमो की स्टफिंग, ये रहा मैदा, और ये हमारा कैमरा स्टैंड। और अब एक चीज की बारी है, वो है कुर्सला, तो उसको लेके आते हैं। बिना कुर्सले के हमारे मोमो नहीं भर पाएंगे, इतने बड़े बड़े मोमो बनाएंगे आज, तो चलते हैं। तो ये आ गया अपना कुर्सला, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करता है तुम्हारा भाई, हम करते हैं कुर्सले का इस्तेमाल, ताकि मोमो एक ही बार में पूरा ही सफट जाए। तो गाइस ये रहा पॉपी, जो मैदे को बेलने का काम करता है। और अब गाइस मैं बनाऊंगा पहला मोमो। तो ये रहा हमारे पास मैदा, जिसमें भाई हमारा ये बाहुबली कुर्सला, नहीं मतलब बाहुबली कुर्सला ही समझ लो, अभी इसमें इतना भरेंगे हम। ये लो भाई पूरा मोमो टूस टूस के भर दिया है, आज बनेंगे बाहुबली मोमो से थोड़े छोटे वाले मोमो। ये देखो गाइस यहाँ से तेल लगा के उठाया, और फिर यहाँ पर मस्त इधर से रख दिया जाए। ये लो भाई एक ट्रे में मोमोस तो रख दिए, अब बची है बस दूसरी ट्रे। गाइस एक चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखो गाइस मम्मी ने मोमो बनाए हैं, और ये 2 मोमोस ऑलरेडी बना रखे हैं। ये देखो गाइस ये मुर्गे की चोटी बना रखी है, लगे हाथों इधर हिप हॉपी का भी मोमो देख लो। ये क्या हेलीकॉप्टर शॉट, एरोप्लेन बना दिया गाइस। तो गाइस ये तीनों ट्रे तो बन गई है, पूरी भर गई है मोमो से, अभी निकलते हैं पहले तो स्टीम। और अब गाइस मोमो बनाते बनाते 2 घंटे बीत गए, और अब देखते हैं हमारे मोमोस कैसे स्टीम हुए हैं। तो ये रहे हमारे मोमोस। तो ओ भाई
तो ये रहे गाइस हमारे बाहुबली से थोड़े छोटे वाले मोमो जिनको हम कर रहे हैं पहले तो भगोने में पैक। लेकिन गाइस इसमें से एक हमें ये दिख रहा है, ये फटा हुआ, तो ये फटे मोमो को उठाएंगे और इसकी करेंगे हम टेस्टिंग, साथ ही साथ चटनी की भी टेस्टिंग हो जाएगी, तो देखते हैं कैसा है। तो गाइस चटनी के साथ हमारा मोमो आ गया है और इसकी करते हैं, बहुत ही गर्म है तो करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गाइस 6-7 मोमो हमने अपने खाने के लिए निकाल रखे हैं, तो सभी खाएंगे हम एक एक करके। जल्दी खा, ये देखो एक ही गप्पे में खवा दिए, और ये हिप हॉप भी, जल्दी खा दो दो मोमो गाइस, दो दो मोमो एक ही साथ, ये देखो। तो गाइस 11 बजे से हम मोमो बनाने के लिए बैठे थे और अभी देखो पूरे 4:30 बज गए। गाइस फुल पेटी भर भर के मोमो है ये, अगर तू पीछे मत देख, ये हिप हॉप भी भाई कर भाई। तो गाइस एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई आजकल हाट बाजार के हाल क्या हो रखे। तो गाइस मोमो की ये आखिरी ट्रे बची है बस, यानी अटैची बची है, बस इतने से मोमो बिक जाए और चलते हैं फिर सीधा घर की ओर। कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 7 बचे मोमो बस, अब इनको तो अपनी खाएगा और मम्मी यहाँ लगा रही है। तो गाइस इधर देखो मम्मी के हाल, क्योंकि आज बच गई है इतनी सारी पकौड़ी और अंडे भी बच गए हैं, और मार्केट का हाल देखो मेरे पीछे सारा का सारा गया, क्योंकि ठंडी आ रही है तो कोई भी नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, लग रहा है अगली बार लगाए शायद नहीं लगाए। और हमारे मोमो तो सारे बिक गए और घर पे जाके आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, पहले सारा सामान इकट्ठा करके ले चलते हैं सीधा घर। तो गाइस ये रहा हमारा सारा सामान लेके हम घर पे पहुंच गए और अभी देखेंगे हमें आज कितना प्रॉफिट हुआ। अरे मैं तो कफा, तो ये रहा पहले लाइट जला ले और अब बात करते हैं आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो गाइस ये रहा आज का प्रॉफिट, लेकिन समझ में नहीं आ रहा गाइस आज हमने इतने सारे मोमो बनाए और सारे के सारे मोमो भी बिक गए, लेकिन हमें प्रॉफिट आज इतना कम क्यों हुआ। और गाइस आज मुझे तगड़ी वाली डांट लगने वाली है, अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। जो हम मोमो बना के ले गए थे उसमें से आज इतनी सारी स्टफिंग बच गई है, अब इसकी बनाएंगे सब्जी। आज का टारगेट था 400-500 मोमो बनाने का, लेकिन हमने पता नहीं कितने मोमो बनाए बस, और वो इतनी सारी स्टफिंग भी बच गई, तो अब क्या करें गाइस, हमने भी गिना नहीं कि कितने मोमो बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं सीधा आप नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही छोटा व्लॉग बनाया उसके लिए सॉरी यार, बड़े ब्लॉग बनाने में यार मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो धीरे धीरे हो पाएगा वो प्रोग्रेस, तो धीरे धीरे बोल पाऊंगा। तो वीडियो जैसी भी लगी हो